मतलब आपके यदि दुकान में कोई कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ाता है, उसी कर्मचारी को आप अपना कैश काउंटर दे देते हैं क्या, रोकड़ संभालने दे देते हैं क्या? और दूसरी बात, वैसे लोगों से सिर्फ पैसा रिकवर करके और वापस से वो नगर निगम में काम करे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे लोग को पद मुक्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई करने का काम करें। भागलपुर नगर निगम में बीते दिनों कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। यहां तक कि घोटाला करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा जमकर बिफरे। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसमें से दो लोग ही जो है वो अकाउंट सेक्शन संभाल रहे हैं। मतलब आपके यदि दुकान में कोई कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ाता है, उसी कर्मचारी को आप अपना कैश काउंटर दे देते हैं क्या, रोकड़ संभालने दे देते हैं क्या? यहाँ पर वो चल रहा है, तो पहले तो त्वरित वैसे लोगों को पद से ये किया जाए, हटाया जाए। और दूसरी बात, वैसे लोगों से सिर्फ पैसा रिकवर करके और वापस से वो नगर निगम में काम करे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे लोग को पद मुक्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई करने का काम करें। दरअसल उप महापौर राजेश वर्मा ने नगर निगम परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीते दिनों ट्रेड लाइसेंस घोटाला सामने आया था और जब इसकी जांच शुरू हुई तो नगर निगम के पदाधिकारियों को दोषियों का पता लगाने में 1 साल लग गए और जब पता चला तो नगर आयुक्त ने एक अद्भुत चिट्ठी जारी किया है जिसमें उन्होंने घोटाला करने वालों को लिखा है कि सभी लोग घोटाले के पैसे समय सीमा के अंदर भुगतान कर दें। जबकि नियम कहता है अगर किसी पर पैसे घोटाले का आरोप सिद्ध होता है तो उन पर 420 का FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन नगर आयुक्त ने FIR ना कर सिर्फ पैसे भुगतान करने की बात कही है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर निगम में अभी महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पैसा चाहे 1 रुपया हो, 100 हो या 1 करोड़ हो, उसको गमन करने का काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और दोषी पर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद वैसे लोगों से पैसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन नगर निगम में कल नगर आयुक्त का एक अद्भुत लेटर विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें उन्होंने जो 5 लोग 6 लोग उन्होंने जिसमें दोषी पाए गए उन 6 लोगों को केवल ये नोटिस दिया गया कि आप लोगों ने जो है 22 लाख का, 1,40,000 का, 1,33,000 का, 1.5 लाख का जो है आप लोग के ऊपर गमन का आरोप सिद्ध हुआ है और आप लोग इस पैसे का भुगतान करके जल्द से जल्द जो है भुगतान करने का समय सीमा दिया गया है, उस समय सीमा में भुगतान करने का काम करें। और उससे मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो हमारे नगर निगम में अभी महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं जिनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। और यदि आप कोई बैंक लूट लेते हैं, अपराधी कोई बैंक लूट लेता है और वो जब पकड़ा जाए और तब अपराधी ये बात बोले कि लीजिए हम 6 लाख रुपये लूटे थे, 6 लाख वापस ले लीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, हम जाते हैं घर, ये तो वही बात हो गया कि जब नगर निगम में आज ये बात पकड़ा गई कि ट्रेड लाइसेंस जो है फर्जी बन रहा था, छप रहा था और लोगों तक जा रहा था, तब नगर निगम के पदाधिकारी के बारे में पता चला कि ये लोग दोषी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, कितने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसमें से 2 लोग ही जो है वो अकाउंट सेक्शन संभाल रहे हैं। मतलब आपके यदि दुकान में कोई कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ाता है, उसी कर्मचारी को आप अपना कैश काउंटर दे देते हैं क्या, रोकड़ संभालने दे देते हैं क्या? यहाँ पर वो चल रहा है, तो पहले तो त्वरित वैसे लोगों को पद से ये किया जाए, हटाया जाए। और दूसरी बात, वैसे लोगों से सिर्फ पैसा रिकवर करके और वापस से वो नगर निगम में काम करे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे लोग को पद मुक्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई करने का काम करें। राजेश वर्मा ने कहा कि हमारी मांग है उन पदाधिकारियों पर अविलंब FIR दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें, ट्रेड लाइसेंस मामले में लगभग 30 लाख का घोटाला सामने आया था जिसमें नगर निगम के शाखा प्रभारी के वारंट निरीक्षक पर, पूर्व में तैनात रहे सुनील हरि पर 8,500 रुपये, प्रधान टंकक पद पर तैनात रही दिव्या स्मृति पर 23,12,300 रुपये, सहायक पद पर तैनात रहे सौरभ सुमन पर 1,40,300, पेशकार निरीक्षक पद पर रहे आदित्य जायसवाल पर 1,33,100 रुपये व सहायक पद पर तैनात निरंजन मिश्रा पर 1,53,500 रुपये के घोटाले के आरोप है। वहीं अब इस मामले में नगर विकास विभाग क्या कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा।